हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि क्या है, संधि के प्रकार, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, यहाँ तक कि स्वर संधि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, व्यंजन संधि। ठीक है, संधि क्या है? दो शब्दों के वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द है हिम और दूसरा शब्द है आलय, तो ये मिलकर के क्या हो जाता है? हिमालय। ये किस आधार पर मिले? ये दो शब्दों के वर्ण मिल रहे हैं, मतलब यहां पर जो म और अ है ये मिल रहा है, तो म में भी क्या है, म के पास में अ छिपा हुआ है, तो यहाँ पर अ और आ मिल रहे हैं, अ और आ मिलकर के क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो इस आधार पर वो हिमालय हो गया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ स्वर है, तो इसे स्वर संधि कहते हैं। उसी प्रकार से जब दोनों तरफ में से एक तरफ व्यंजन हो या दोनों तरफ व्यंजन हो, उसे यहाँ व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन मतलब क ख ग घ ङ च छ ज झ, ये सब क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो एक तरफ व्यंजन हो तो व्यंजन संधि कहलाएगा। तो उसी प्रकार यदि देखिए, यदि हम म बोले तो ये व्यंजन है क्या? नहीं, ये व्यंजन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे में अ छिपा हुआ है ना, इस तरह से। तो जब म इस तरह से रहेगा तो वो व्यंजन कहलाएगा। अब आइए देखते हैं व्यंजन संधि क्या है तथा इसके बनाने के क्या नियम है। ठीक है, जैसे एक एक इसका देखिए, जगत प्लस नाथ, तो यहां पर त के नीचे रेफ लगा हुआ है, मतलब हाफ त है, तो यहां पर हाफ त और ना मिलना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि के भी बहुत सारे नियम हैं, जिसके आधार पर यहाँ पे संधि होता है। आइए हम लोग उसके कुछ नियम के बारे में चर्चा करते हैं। इसका पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी वर्ण के प्रथम वर्ण, ठीक है ना, प्रथम वर्ण और उसी वर्ण का तीसरा चौथा स्वर हो तो तीसरा वर्ण बन जाता है। तो व्यंजन संधि जानने से पहले हमें वर्णमाला के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण तथ ग ध न प फ व भ म है। और इसके साथ ही साथ हमें जानना है कि इसका वर्ण क्या है। जैसे ये जो है ये पहले में आता है, क च ट त प, ये पहला वर्ण हुआ, ये दूसरा वर्ण हुआ ख झ, ये दूसरा वर्ण हुआ, ये तीसरा हुआ ग ज ड, ठीक है, और ये घ झ, ये चौथा वर्ण हुआ, और ये हुआ पांचवा वर्ण अंग इयाणा। तो यदि हम इसके बाद इसको अच्छे तरह से समझ लिए तो हम इसके नियम को भी आसानी से जान जाएंगे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं, सबसे पहला नियम ऐसा क्या कहता है, प्रथम वर्ण उसी वर्ण का तीसरा चौथा या स्वर आए तो तीसरा वर्ण बन जाता है। मतलब प्रथम वर्ण ये सब क्या है, ये सभी जो है ये प्रथम वर्ण है, ठीक है, इतना जो है ये प्रथम वर्ण हुआ। यदि इसी वर्ण का तीसरा या चौथा, ये देखिए तीसरा चौथा हुआ है ना, यदि तीसरा चौथा है तो वो तीसरा बन जाता है, ये तीसरा बन जाएगा, फिर ये तीसरा बन जाएगा। ठीक है, आइए एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। जैसे एक है एग्जांपल, उदाहरण देखिए, दिक धन गज, ठीक है, तो यहां पर क आया है ना, क के बाद एक तरफ क आया और दूसरी बार ग आया, तीसरा वर्ण आया, तो इसको क्या बनना है, क तीसरा वर्ण आया तो फिर तीसरा वर्ण बन जाएगा, क जो है क्या में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरा वर्ण ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। देखिए उसी प्रकार देखिए, सट प्लस आनंद, यहां पर देखिए तीसरा चौथा या कोई भी स्वर आए तो यहां पर आ क्या है, स्वर हो गया, तो ट का तीसरा क्या हो जाएगा, ट ठ ड, तो क्या हो जाएगा, सडानंद, तीसरा बन जाता है। उसी प्रकार अगला देखिए, सत प्लस आनंद, तो क्या हो जाएगा, ये भी त, देखिए यहां पे ये त से है ना, त का तीसरा क्या है, त ठ द, तो क्या हो जाएगा, ये त जो है द बन जाएगा, तो सदानंद। ये हो गया इसका पहला नियम। ठीक है, अब आइए इसका दूसरा नियम देखते हैं क्या है। दूसरा नियम कहता है, प्रथम वर्ण के बाद न या म आए तो उसी वर्ण का पांचवा हो जाता है। जैसे ये प्रथम वर्ण हुआ और इसके बाद में तीसरा चौथा नहीं, तीसरा चौथा नहीं, इसके बाद में न या म आए, न या म आए तो क्या बदल जाएगा, ये पांचवा वर्ण जो है उसमें बदल जाएगा। जैसे देखिए, वाक धनमय है ना, तो यहां पर क आया पहला वर्ण और दूसरा म आ गया, तो क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण क ख ग घ अंगा, तो क्या हो जाता है,
वांग्मय, इस तरह से। उसी प्रकार देखिए जैसे मैंने बताई थी जगत धननाथ, ये क्या हो जाएगा त आया और उसके बाद न आया, तो क्या हो जाएगा त था द था न, तो क्या हो जाएगा जगन्नाथ। उसी प्रकार देखिए सट प्लस मास, उसी प्रकार देखिए सट सट प्लस मास आया तो यहां पे ट आया, ट ठ ड ढ ण, ये ण आ जाएगा तो क्या हो जाएगा षण्मास, इस तरह से। उसी प्रकार आप देख लीजिए अप धन मय मान लीजिए, अप धन मय तो प का क्या हो जाता है प फ ब भ म, इसका हो जाएगा अमय, इस तरह से। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं, अगला नियम जो है वो ता से संबंधित है। यहाँ पे कहता है यदि एक तरफ ता हो, ठीक है, यदि एक तरफ ता हो और दूसरी तरफ तीसरा या चौथा कोई भी हो, तीसरा या चौथा कोई भी हो, तीसरा चौथा मतलब ग घ ज झ ड ढ द ढ, ये तीसरा या चौथा कोई भी हो और एक तरफ ता हो और दूसरी तरफ तीसरा या चौथा कोई भी हो या स्वर, ठीक है, तीसरा चौथा या स्वर कोई भी हो, तो ये जो है बाद में द बन जाता है, नियम के अनुसार जो है ये द बन जाता है। जैसे देख लीजिए ये तो पहले भी हम लोग देख लीजिए, जैसे सत प्लस भावना, देखिए सत प्लस भावना, ठीक है, सत प्लस भावना तो क्या हो जाएगा त था द, ये त जो है क्या बन जाएगा त था द में परिवर्तित हो जाएगा, सत भावना सद्भावना, इस तरह से। अगला क्या कहता है यदि त के पश्चात च या छ है तो ये जो है च छ या च च या च छ बन जाता है। जैसे देखिए उत प्लस चित, उत प्लस चित क्या हो जाएगा चित, यहाँ पर क्या है जो ता जो रहेगा वो हाफ च में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार यदि छ रहता है तो देखिए तत प्लस छाया, ठीक है ना, तत प्लस छाया रहेगा तो क्या हो जाएगा तत छाया, ये जो ता जो है इसके आगे हाफ च बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या कहना है कि जहां पे भी च या छ रहे तो उसके आगे में च के आगे हाफ च और छ के आगे में भी हाफ च लग जाता है यदि पहले आगे में त है तो। जैसे उसी प्रकार देखिए उच्चारण, ये बहुत प्रसिद्ध है, देखिए जैसे उत प्लस चारण क्या हो जाएगा उच्चारण, उच्चा, इस तरह से। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है त के बाद यदि ट या ड है, देखिए त के पश्चात यदि ट या ड है तो जो ट है वो ट ट हो जाएगा और ड जो है ड ड हो जाएगा। जैसे देखिए तत प्लस टिका, ये क्या हो जाएगा तत टिका, यहां पर हमें यह देखना है कि जो त है वही बदल जाता है। जैसे उसी प्रकार देख लीजिए उत प्लस डयन, ये क्या हो जाएगा उड्डयन, इस तरह से। ठीक है, अगला देखिए अगला नियम क्या कहता है, अगला कहता है कि यदि त के बाद ल है, यदि त के बाद ल है तो क्या हो जाएगा वो जो त जो है वो हाफ ल बन जाएगा। यहाँ पे जैसे त के साथ हाफ ट, ड के साथ हाफ ड बन रहा था, उसी प्रकार ऐसी बन जाएगा। जैसे देखिए उत प्लस लेख क्या हो जाएगा उल्लेख, ठीक है, उसी प्रकार उत प्लस लास क्या हो जाएगा
पे ता है, यहाँ पर तो अभी केवल ता बदल रहा था ना, यहाँ पर ता और हा है, तो ये दोनों मिल करके धा बन जाते हैं, दोनों मिल जाएंगे। जैसे देखिए उत और हार, तो क्या हो जाएगा उद्धार, यहां पर हा और ता ये दोनों मिल गए। उसी प्रकार से देखिए तत् प्लस हित, तत् प्लस हित क्या हो जाता है तद्धित, मतलब ये ता और हा ये दोनों मिलकर के ध बन जाते हैं। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगला है मां से संबंध में, ठीक है ना। यदि एक तरफ मां रहे और दूसरी तरफ कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो उसका पांचवा वर्ण बन जाता है। यदि एक तरफ मां रहे और कोई भी उसकी तरफ स्पर्श वर्ण रहे तो पांचवा वर्ण बन जाता है और यह अनुस्वार बन जाता है। जैसे देखिए सम प्लस कल्प, क्या हुआ अनुस्वार बन जाएगा, ठीक है ना। क ख ग घ ङ पांचवा वर्ण तो हो जाएगा सम प्लस कल्प, संकल्प, सम प्लस चयन, सम प्लस चयन, ये सम जो है मां है, दूसरी तरफ च है, तो पांचवा वर्ण बन जाना है। तो क्या हो जाता है यदि ऐसा लिखेंगे तो संचयन पांचवा वर्ण बन जाता है, या फिर संचयन में डॉट भी लगा सकते हैं। फिर आगे देखिए सम प्लस पूर्ण, सम धन पूर्ण, क्या हो जाता है संपूर्ण, सम प्लस देह क्या हो जाता है संदेह। तो ये जो है पांचवा वर्ण या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, अगला जो है मां के बाद यदि यदि एक तरफ मां रहे और दूसरी तरफ य र ल व ह श स श, यदि कुछ भी रहे, इतना में कुछ भी रहे तो वो जो है अनुस्वार, जो ऊपर डॉट रहता है वो बन जाता है। ठीक है, जैसे देखिए सम प्लस सय क्या हो जाएगा संशय, सम प्लस सार, सम प्लस सार क्या हो जाएगा संसार। उसी प्रकार देखिए सम प्लस वार क्या हो जाएगा संवाद। उसी प्रकार देखिए सम प्लस लग्न क्या हो जाएगा संलग्न, सम प्लस हार क्या हो जाएगा संहार। तो सभी के आगे में ऊपर में अनुस्वार लग जाएगा। यदि या र ल व श श श रहे तो सभी के आगे, सभी जो है वो मां जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, यदि कोई भी शब्द है उसके आगे में ई या उ, मतलब छोटी ई या छोटू उ के बाद में यदि र आता है और इसके बाद भी यदि र आता है तो ये जो है दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है और एक बार बदल बन समाप्त हो जाता है। उसी पर जैसे देख लीजिए एग्जांपल देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। निर धन र, तो यहां पर देखिए ये छोटी नी की मात्रा है ना, हर्ष है और यहाँ पे र है और इधर रव है, तो ये क्या बन जाएगा, ये र जो है इसका विलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये दीर्घ में बदल जाएगा नीरव, इस तरह से हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए, फिर देखिए नीर प्लस रोग तो क्या हो जाएगा निरोग। उसी प्रकार से नीर प्लस रस क्या हो जाता है नीरस, मतलब यहां पे र रहेगा और जो हर्ष की मात्रा है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाती है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि ह का लोप हो जाता है, ह जो है वो उड़ जाता है, कहां उड़ जाता है देख लीजिए, जैसे यह प्लस ही तो क्या हो जाएगा यही, वह प्लस ही वही, तो ये जो ह जो है इसका लोप हो जा रहा है। उसी प्रकार से और भी लिखते हैं, कब प्लस ही कभी, ठीक है उस प्लस ही, यहाँ पे ये वाले हा का लोप हो जा रहा है, ठीक है ये वाले हा का जो लोप हो जाता है, उस प्लस ही उसी, उस प्लस ही उसी, ये वाला हा रहेगा, ये वाले हा का जो है, ये वाले हा का जो है वो लोप हो जाता है, इस प्रकार है। तो और एक और आखिरी नियम देखिए, आखिरी नियम और क्या कहता है, एक और नियम कहता है कि यदि
री, दूसरा र, श, यदि इसके बाद न आए तो ये जो है न जो है ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए व्याकर प्लस न क्या होता है, व्याकरण, बहुत महत्वपूर्ण है जानना। अगला है परि प्लस नाम क्या हो जाता है, परिणाम। उसी प्रकार से प्र प्लस नाम क्या हो जाता है, प्रणाम। उसी प्रकार से भर प्लस न क्या हो जाता है, भरण। तो ये हुआ दोस्तों व्यंजन संबंध, व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियम, जिसके आधार पर हम जान जाते हैं कि किस प्रकार से व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ, जिसके आधार पर आप आसानी से जान सकते हैं कि व्यंजन संधि जो है उसे हम कैसे जान पाएंगे व्यंजन संधि है, या कैसे हम उसका संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो जहां पर भी अनुस्वार दिखे, ठीक है, जहां पर भी अनुस्वार दिखे तो अनुस्वार को हटा के म लगा दीजिए, ठीक है। जैसे संयम है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम प्लस यम, तो अनुस्वार को हटाइए और म लगा दीजिए। तो ये लगा के पहले हमें देखना है कि सौ ढोलक ने, जैसे देखिए संसार, जैसे मान लीजिए था संसार, इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार को हटा दीजिए और उसके बाद वैसे ही बस उसको हटा के म लिख दीजिए और फिर सम प्लस सार, इस प्रकार से हमें करना है। और कहीं पे भी देखिए जहां पे हाफ च च लगा है या च छ लगा है, जिस भी चीज में, जैसे देखिए अनुच्छेद, तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पे देखना है कि जहां भी हाफ च लगा है उसे मिटा दीजिए तो अपने आप को ठीक हो जाएगा, वहां पे फिर प्लस लगा दीजिए, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, ठीक है। उसी प्रकार से जहां पे भी ट ट है, ड ड है, ल ल है, तो वहां पे हमें क्या करना है, हाफ ल को मिटा देना है, ड को मिटा देना है, ट को मिटा देना है और उसके आगे में हमें प्लस लगा देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम आसानी से जान पाते हैं कि व्यंजन संधि में कहां कहां पे जोड़ है, कहां कहां पे संधि हुई है और हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं। तो हमें जो है जो भी उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है तो हमें उसमें देखना है कि कौन सा उसके साथ मैच कर रहा है, तो उसके आधार पर हम जान जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि व्यंजन संधि के नियम उसको आप आसानी से समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में विसर्ग संधि के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।